गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जिसको हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। और वहाँ उन्होंने समझा था कि कॉनकेव में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स में कैसा इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम टच करेंगे, जो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ऑप्टिक्स यानी लाइट पूरी समझ में आ जाएगी। और अगर वो आपको नहीं समझ में आया तो ऑप्टिक्स आपको समझ में नहीं आ पाएगी। आप हमेशा परेशान रहोगे कि कौन सा साइन हमें प्लस में लेना है और कौन सा साइन हमें माइनस में लेना है। तो जो इस समय हम लोग यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साइन कन्वेंशन को, उसको हम कार्टेसियन साइन कन्वेंशन कहते हैं। कार्टेसियन साइन, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, इनकी जो थ्योरी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिपेंड है। नंबर वन, द इंसिडेंट रे यानी जो भी लाइट आ रही है मिरर पर ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यूरिंग मेकिंग डायग्राम। यानी किसी भी डायग्राम को बनाते समय जो भी इंसिडेंट लाइट होगी वो हमेशा लेफ्ट से आएगी और राइट को जाएगी। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारा कोई भी मिरर है या लेंस है, जो भी होगा आगे स्टडी करेंगे। आपको समझने के लिए क्या है, ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या फिलहाल मिरर समझ रहे हैं तो हम इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। दो तरह का होता है, एक कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। देखने में प्लेन दिख रहा है, ये सिर्फ साइन को समझाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंट मत करिएगा, उसको हम अभी आगे समझाते हैं। तो जो भी लाइन इसके बीचों बीच से जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी इंसिडेंट लाइट होगी, ये लाइट कौन सी है, ये इंसिडेंट लाइट है यानी इंसिडेंट रे है, ये कहाँ से हमेशा ली जाएगी, लेफ्ट से ली जाएगी। और किधर को ली जाएगी, राइट को ली जाएगी। लेफ्ट साइड को हमेशा हम माइनस मानते हैं और राइट साइड को हमेशा प्लस मानते हैं, क्योंकि लाइट ट्रेवल करेगी लेफ्ट टू राइट। तो लाइट जिधर से ट्रेवल करती है वो माइनस होता है, जिधर को जाती है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है फिर समझ लीजिए कि द इंसिडेंट रे यानी जो भी लाइट हमारे इस मिरर पर आके गिरेगी, उस लाइट को हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ लेंगे डायग्राम बनाते समय। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस यानी जितनी भी दूरियां हम लोग लेंगे, तो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर यानी नापी जाएंगी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यानी जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो हमेशा इस मिरर के पोल से मेज़र करेंगे। इधर भी मेज़र करेंगे तो यहाँ से इधर मेज़र करेंगे, अगर इधर मेज़र करेंगे तो इसी पॉइंट से इधर को मेज़र करेंगे, ये सेकेंड पॉइंट कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ऑल द डिस्टेंस मेज़र्ड टूवर्ड्स इंसिडेंट रे यानी कि इंसिडेंट रे की तरफ, यानी कि जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, हम आपको इजी करने के लिए बोल देते हैं लेफ्ट साइड, विल बी टेकन निगेटिव। यानी जो भी डिस्टेंस हम पोल से इंसिडेंट रे की तरफ मेजर करेंगे, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है, उसको हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा कैसा होगा, माइनस, राइट हैंड साइड हमेशा कैसा होगा, प्लस होगा। एंड अपोजिट का मतलब कि लेफ्ट से अगर हम राइट को मेजर करेंगे, अपोजिट ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर को जिधर लाइट जा रही है उधर को टेकन एज पॉजिटिव, उसको कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव।
यानी कि जो भी लाइट, जैसे हम फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट ली जाएगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ली जाएगी, यानी लेफ्ट से राइट को जाएगी। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पोल से मेजर किया जाएगा, यानी हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, चाहे पोल से इधर और चाहे पोल से इधर। थर्ड रूल ये कहता है कि पोल से जो भी डिस्टेंस हम इंटेंस रे के ओरिजिन, यानी जहां से इंटेंस रे निकल रही है, या आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड पे, तो जो भी डिस्टेंस हम पोल से लेफ्ट को मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा, और जो भी डिस्टेंस पोल से राइट को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। एंड पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर ये कहता है कि द हाइट टेकन अपवर्ड द पीए माने प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव और कैसा इरेक्ट। क्लियर। यानी जो भी हम हाइट लेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड किसके डाउनवर्ड, पीए मीन प्रिंसिपल एक्सिस, विल बी नेगेटिव और कैसा, इनवर्टेड होगा। यानी अगर कोई, अब वो गंदा हो जाएगा ये, अगर कोई भी इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कोई भी हाइट अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो वो हाइट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैसा होगा, इरेक्ट यानी सीधा होगा, और जो भी हाइट हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कैसा होगा, इनवर्टेड होगा। क्लियर। यानी उल्टा होगा। तो एक बार इस कार्टर के साइन कन्वेंशन को हम फिर से एक बार ओनली पिक्चर के फॉर्म में देख लेते हैं। रूल्स आपने देख लिए हैं, सारे रूल्स क्या कह रहे हैं, अब हम पिक्चर के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पिक्चर के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, जिससे कि ये रूल्स आपको 100% क्लियर हो जाएं और आप इनको प्रॉपरली समझ सकें। इसलिए इसको हम बड़ा बड़ा बना करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, कार्टर साइन जो है ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लिया, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर हमको मिरर बनाना चाहिए, हम मिरर नहीं बना रहे हैं आपको समझाने के लिए, और जो भी लाइन इसके बीचों बीच से जाएगी इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां पर कट करेगी वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कार्टर साइन का, वो ये कहता है कि जो भी इंसिडेंट रे ले जाएगी वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ली जाएगी। ये क्या है, आई मीन इंसिडेंट रे, ये साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड है, और ये साइड कौन सा है, राइट साइड है। यानी कि जो भी इंसिडेंट ले जाएगी डायग्राम बनाते समय वो हमेशा लेफ्ट से चलेगी और राइट को जाएगी। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पोल से मेजर किए जाएंगे, चाहे पोल से इधर और चाहे पोल से इधर मेजर किए जाएंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का इमेज होगा, जैसे मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये कोई हाइट है, चाहे ऑब्जेक्ट का हो चाहे इमेज का हो, वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और कैसा माना जाएगा उसको, उसको हम इरेक्ट मानेंगे, इरेक्ट माने सीधा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो आपका इमेज हो। क्लियर। और जो भी हाइट या इमेज या ऑब्जेक्ट का, फिलहाल ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो हम इमेज की बात करते हैं, जो भी याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, जिधर से इंसिडेंट रे आएगी उधर ही ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कैसा होगा, इनवर्टेड यानी उल्टा होगा। क्लियर। जो भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट मेजर की जाएंगी वो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। जो भी डिस्टेंस पोल से राइट हैंड को मेजर किए जाएंगे वो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम पोल से लेफ्ट चलेंगे यानी लाइट के जाने के अपोजिट, तो ये डिस्टेंस किस में होगा, निगेटिव में होगा। अगर हमारे
इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा फोकस होगा तो फोकस हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में, क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो भी कुछ होता है वो हमेशा मिरर के सामने होता है। और अगर कोई भी डिस्टेंस हम पोल से राइट हैंड को मेजर करेंगे, मान लीजिए यू की बात करें तो यू तो हमेशा कैसा होगा, माइनस होगा, याद रखिएगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। लेकिन जो एफ होगा अगर हम पोल से राइट हैंड मेजर करेंगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा जिसको वी से शो करते हैं और वो पोल से राइट मेजर करेंगे वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा, पॉजिटिव होगा। तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड यानी लाइट के जाने के अपोजिट सारी वैल्यू माइनस, और मिरर के राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यू कैसी होगी, प्लस होगी। यानी पोल से राइट प्लस और पोल से लेफ्ट सारी वैल्यू माइनस होगी। अब हम इसी चीज़ को कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझते हैं। तो अगर हम कॉनकेव मिरर को देखें तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो यूं होता है, इसका जो आउटर सरफेस होता है वो कैसा होता है आपको याद आ रहा होगा, वो पॉलिश्ड होता है, और जो इसका इनर सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जो भी बीचों बीच से लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को कट करता है उस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं। तो क्रिएटर साइन क्या कहता है कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा जिसको हम ओ से शो करते हैं वो क्या है, ए, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे दिखा लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे शो करते हैं, ओ से शो करते हैं, और ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट होगी वो हमेशा कहाँ जाएगी, लेफ्ट से राइट को जाएगी, क्लियर। तो ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है, कहाँ से निकला, ऑब्जेक्ट से, और जब ये इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, तो टकरा करके क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के लौट आएगी। तो अगर ऐसे ही कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट से ऐसे जाती है तो वो भी क्या है, ये है इंटेंस और ये हुआ रिफ्लेक्ट, तो इस पॉइंट पर मिल जाती है। तो इस पॉइंट पर जो भी फोकस हुआ है तो यहाँ से ये लाइट जहाँ पर भी इस लाइट को आपस में कट करेगी वहाँ पर इसके इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या बन गया, इमेज बन गया। इमेज को किससे शो करते हैं हम, आई से शो करते हैं। तो अगर हम इस कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन देखें तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यू से शो करते हैं। तो क्रिएटर साइन ने कहा था कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से मेजर करेंगे, और आप देख रहे हो कॉनकेव मिरर में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे इमेज है चाहे फोकस है, वो सब मिरर के सामने हो रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यू कैसे होगी, माइनस होगी। तो यानी यू की वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, वो भी कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। क्यों, क्योंकि इंटेंस लाइट जा रही इधर और हम मेज़र कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, इसलिए निगेटिव। और जो इमेज का डिस्टेंस होता है आई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं, भी आगे हम बता देंगे। तो वी भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि सारी वैल्यू हमने पोल से राइट टू लेफ्ट मेजर किया है, जबकि लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट। तो सारी वैल्यू लाइट के अपोजिट है, इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए यू वी और एफ माइनस होता है, निगेटिव होता है, क्लियर। अब इसी चीज़ को अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में समझने की कोशिश करें तो कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका मिरर और ये हमने बना दिया, इस पर अंदर से लगा दी हमने पॉलिश, और ये बीचों बीच से क्या गया इसका, ये बीचों बीच से गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पर इसने इस मिरर को कट किया है वो क्या है, पोल। तो अब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, ये क्या हो गया हमारा, ओ मीन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, किधर गई, लेफ्ट टू राइट गई। और आपको मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ऐसे ही एक लाइट ये भी आई, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और डाइवर्ज होकर के लौट गई। तो ये लाइट पीछे बढ़ाने पर हमें यहाँ पर मिलती हुई महसूस होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा, क्लियर।
और यहां पर जो भी डिस्टेंस या इमेज लेंगे, अब मान लेते हैं कि इस कॉनकेव, कौन सा ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ध्यान दो, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, इसी को तो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं यू। तो हमने कहां मेजर किया, पोल से इधर यानी राइट से लेफ्ट को, और लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट को, तो वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। यानी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होगा वो सभी के लिए माइनस होता है। दुनिया कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, सबके लिए यू की वैल्यू कैसी है, माइनस। अब बात करते हैं फोकस की, तो ध्यान दीजिए पोल से फोकस किधर है, ये लेफ्ट टू राइट है, और लाइट किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स के लिए वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। और जो इमेज का लेंथ होगा वी, वो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी इमेज भी और फोकल लेंथ, सब कुछ कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे, इसलिए सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, किसको छोड़कर, यू, क्योंकि यू हमेशा कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल देते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो कुछ भी होता है, चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे फोकस है, चाहे इमेज का फॉर्मेशन है, वो सब कहाँ होता है, मिरर के सामने होता है, इसलिए जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे पोलर से लेफ्ट जाएंगे, यानी सारी वैल्यू माइनस। और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट तो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू हमेशा माइनस होगा, लेकिन बाकी जो फोकस और इमेज होता है वो हमेशा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड पे, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो लाइट के जाने के डायरेक्शन में, इसलिए एफ और वी कैसा रहेगा, प्लस, किस में, कॉन्वेक्स में। तो उम्मीद करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब केवल हम समझ लेते हैं कि ये यू वी और एफ क्या है, क्लियर। तो इसको यहीं पर समझ लीजिए कि किसी भी पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम यू से शो करते हैं, यानी कि यहां से, इस पोल से और यहां तक, इस ऑब्जेक्ट चक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यू है, क्लियर। किसी भी पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम फोकल लेंथ एफ कहते हैं, पीछे हम बता चुके हैं। और किसी भी पोल से जो इमेज तक का डिस्टेंस होता है, मान लो इमेज यहां पर था, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वी कहलाता है, क्लियर। तो यू मीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी मीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, और एफ मीन डिस्टेंस ऑफ फोकस, क्लियर। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की स्टडी कर लेते हैं, फिर ये पॉइंट हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको लाइफ टाइम लर्न रखने हैं, अगर आप इनको भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर हो गया, कौन सा मिरर हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है इसको हम किससे शो करते हैं, यू से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको हम यू से शो करते हैं, और ये हमेशा कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अब अगर डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात करें तो लाइट जो आएगी यहाँ पर टकराएगी, ये कौन सी है, इंसिडेंट रे है, टकरा कर ऐसे लौट आएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है। अगर कोई लाइट ऐसे आएगी टकरा के ऐसे लौट जाएगी, तो जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग लाइट आपस में कट कर रही हैं यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। तो पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वी से शो करते हैं, किससे, वी से। और जो वी होगा ये हमेशा रियल इमेज के लिए कैसा होगा, माइनस होगा, और जो वर्चुअल इमेज होगी उसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं डिस्टेंस ऑफ फोकस, जहां पर ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे आपस में कट कर रहे हैं वहां पर क्या बना, फोकस। तो पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, यानी एफ से डिनोट करेंगे, क्लियर। तो डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज जो होता है वो हमेशा माइनस होता है, क्यों, याद रखिएगा रियल इमेज तब बनता है जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में किसी पॉइंट पर मिले, तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। जैसे यहां पर ये रिफ्लेक्टिंग रे आपस में आकर मिल गई, तो यहां पे क्या बना, रियल इमेज बना। तो रियल इमेज कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा, और कैसा होगा,
इनवर्टेड होगा। इनवर्टेड का मतलब देखो ध्यान दो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है हमारा इमेज, तो कैसा होगा वो, इनवर्टेड होगा। और याद रखिएगा रियल इमेज हमेशा कॉनकेव मिरर में बनता है, और डिस्टेंस ऑफ जो वर्चुअल इमेज होगा, तो वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो कुछ भी होता है वो इधर होता है, तो जो वर्चुअल इमेज होगा वो कहां बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में। किधर बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा, तो वो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और ध्यान दो कैसा है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ध्यान दीजिए कॉनकेव मिरर में जो कुछ भी हो रहा है सब लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो जो फोकल लेंथ होगा पोल से इधर जाएगा यानी वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो कुछ भी होता है राइट हैंड साइड पे हो रहा है तो वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, यानी कि इसका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ जाकर डिस्टेंस होगा वो हमेशा किसके लिए, कॉनकेव के लिए हमेशा निगेटिव होगा। याद रखिए कॉनकेव के लिए सब निगेटिव, कुछ भी पूछा जाए निगेटिव, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट ये है ओ से शो करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा जहां से इंसिडेंट लाइट जा रही है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एट लेफ्ट साइड, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो किससे शो करेंगे, हमेशा माइनस से शो करेंगे। इमेज की जो हाइट होगी, अगर इमेज का फॉर्मेशन प्रिंसिपल है, मान ली प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इमेज का फॉर्मेशन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो कैसा लिया जाएगा, वो निगेटिव लिया जाएगा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को याद रखें तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फट से ब्रीफ में कर देख लेते हैं कि हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कैसा होगा, माइनस होगा। इमेज, इमेज डिस्टेंस किससे शो करते हैं, वी से। अगर इमेज का डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे है तो प्लस, लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस। याद रखो कॉनकेव में सारी वैल्यू माइनस, कॉन्वेक्स में यू को छोड़ करके, क्योंकि यू हमेशा माइनस होता है, वी और एफ सब हमेशा प्लस। डिस्टेंस रियल इमेज का माइनस होता है, क्योंकि रियल इमेज कहाँ बनेगा, कॉनकेव मिरर में, किधर, लेफ्ट हैंड साइड। वर्चुअल इमेज किसमें बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर में, किधर, राइट हैंड साइड, तो कैसा होगा, प्लस होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कैसा, माइनस, कॉन्वेक्स मिरर का प्लस, लेफ्ट राइट याद रखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में इधर होता है तो माइनस, कॉन्वेक्स में उधर होता है तो प्लस, तो लेफ्ट साइड सारी वैल्यू माइनस, राइट हैंड सारी वैल्यू प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है इमेज के लिए प्लस, नीचे जो वैल्यू है माइनस। क्लियर। अब हम समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है, बस ये पॉइंट हमारा फिनिश हो जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ किससे शो करते हैं, एफ से, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे शो करते हैं, आर से। तो याद रखिएगा आर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, तो आर इक्वल टू टू एफ। अगर हमसे एफ पूछा जाए तो एफ क्या बन जाएगा, आर अपॉन टू। ये फॉर्मूला आपको दोनों लर्न रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं एक न्यूमेरिकल, फिलहाल याद रखिएगा सभी लोग। लेसन के फिनिश होने के बाद हम आपको हर लेसन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब एक तरफ से सॉल्व करवाएंगे, बस आप साथ देते रहिए मेरा। तो एग्जाम्पल मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 और उसका फोकल लेंथ आप हमको बताइए, तो हमको मालूम है कि एफ इजिकल टू आर अपॉन टू होता है, ये देखिए। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर या ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दो आर क्या होता है, 2f होता है, तो 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया है। प्लीज़ अगर आया है तो बहुत मेहनत हुई है इसे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मेरी पहुँच हो सके, मेरी इसमें हेल्प कीजिए, और फिर मैं आपको इससे भी अच्छे कंटेंट ला कर देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। थैंक यू, दैट्स ऑल।